गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने के लिए कहा था, जो कि हमारा निकला मेथड था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें बेस और डेविएशन पता होना चाहिए। अगर हमें बेस और डेविएशन पता है तो हम ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सब ने किया होगा। नाउ हम क्या करते हैं, फटाफट से उनके एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं, ताकि आप जब HW में करो तो आपसे हिंट में या फिर सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4.4, ओके। फर्स्ट है आपका 12 × 9। नाउ स्टूडेंट, 12 × 9 डेविएशन कितना है इसका, +2। इसका कितना है, थोड़ा पास कर लेते हैं, +2। और इसका कितना है, -1। नौ मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2। नौ इसको क्रॉस ऐड कर लो, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 कर लो इसको, है ना। और ये आपका हो जाएगा 11 / -2। इधर से कैरी जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, तो कैरी किसके इक्वल जाएगा, बेस के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, 10 / 10 - 2। तो ये हो जाएगा 10/8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आएगा आपका, 108। हिंट में क्या लिखोगे, हिंट में बहुत सिंपल है, आपने बेस क्या लिया था, आपने बेस लिया है 10, और डेविएशंस क्या आए हैं आपके, डेविएशंस आपके आए हैं 12 - 10, दैट इज़ योर +2, एंड 9 - 10, दैट इज़ योर -1, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 15 का डेविएशन कितना है स्टूडेंट्स, +5, वेरी गुड। और इसका कितना है, +2, वेरी गुड। स्लैश नाउ 5 ± ++ को शो नहीं करते, 5 × 2 = 10। नाउ इधर चाहे इसको क्रॉस, इसको ऐड कर लो या इन दोनों को, बात वही पड़ेगी। तो 15 × 2 कितना हो जाएगा, 17, 15 + 2। नाउ ये हो जाएगा 17/10। बेटा सिंगल डिजिट उतारेंगे, है ना, तो ये तो देखो सिर्फ 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 10 इसके साथ ऐड होके आएगा, तो 1 और 7 क्या हो जाएगा, 8, और ये आपका 1, दिस इज योर आंसर। हिंट क्या दोगे बेटा, हिंट में दे दो आपका बेस, बेस कितना है, 10, डेविएशंस निकाल के बता दो कितना, एक तो है आपका 15 - 10 विच इज़ योर +5, और एक है 12 - 10 विच इज़ योर +2, ओके। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबने ऐसे ही किया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, 13 × 17। नाउ 17 कितना हो जाएगा, +3 + 7, सॉल्व करो, 3 × 7, और इधर हो जाएगा 13 + 7। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 20 बेटा, और ये हो जाएगा आपका 21। हमें पता है सिंगल डिजिट लेते हैं, तो 1 और ये इससे ऐड होके 2, और 2 × 2 = 1, आंसर कितना आएगा, 2 × 2 = 1। हिंट क्या आएगा बेटा, हिंट लिख दो यहाँ पे, हिंट हो जाएगा बेस कितना लिया हमने, बेस देखो हमें 10 ही लेना है, और डेविएशंस का बस ध्यान रखना है, डेविएशंस कैसे निकलेंगी हमारी, सॉरी नंबर क्या हमारा, 13 - 10 विच इज़ योर +3, एंड 17 - 10 विच इज़ योर +7, ओके। बस हिंट में आपको इतना ही लिखना है, एनफ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो 4 हो जाएगा आपका 8 × 9। यहाँ पे देखो 8 और यहाँ पे 9, डेविएशन -2, 10 से कितना कम पड़ रहा है, माइनस, और ये कितना हो रहा है, -1 स्लैश -/+ 2 × 1 = 2, -2 और ये -1, इधर हो जाएगा 9 - 2, माइनस का है तो -2 स्लैश, ये हो जाएगा 7 - -+2, हटा दो ये 2 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, आंसर। हिंट क्या दोगे बेटा, हिंट बहुत सिंपल है, हिंट बेस कितना लिया था आपने, बेस लिया था आपने 10, वेरी गुड। डेविएशन कैसे निकालते हैं सर,
नंबर माइनस बेस, डेविएशंस कैसे आएंगी, नंबर माइनस बेस विच इज़ योर माइनस टू, नंबर माइनस बेस विच इज़ योर माइनस वन। ओके, बस इतना ही आपको हिंट देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव भी देख लेते हैं बेटा, फटाफट हो रहा है ना, इजी है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव 14 × 11, यहाँ से हो जाएगा आपका 14 और 11, 14 का क्या आएगा प्लस 4, 11 का कितना आएगा प्लस 1, स्लैश कर लेते हैं, तो स्लैश कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, इधर तो इनका मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, 4 बन जा 4, 4 × 1, और इधर हो जाएगा 14 + 1। आप कह सकते हो सर 11 + 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो बेटा, तो इधर आ जाएगा 15 / 4, हटा दो ये हो जाएगा 154, दिस इज़ योर आंसर। हिंट क्या लिखोगे, बेस कितना लिया 10, डेविएशंस कैसे आए बेटा सर, नंबर माइनस बेस, नंबर है हमारा 14 - 10 विच इज़ योर प्लस 4, 11 - 10 विच इज़ योर प्लस 1। ओके, दिस इज योर हिंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, इजी है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी प्रैक्टिस हमने उस दिन करी थी, क्या है 9 × 16, ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये माइनस वाला कंसेप्ट है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ये 9 और ये 16, ये डिवीजन से कितना कम है माइनस 1, ये कितना ज़्यादा है प्लस 6, ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, ठीक है, बेस से हमें मैच कराना है, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस 6 × 1। ओके, नाउ ये गलत हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं माइनस 1 × 6, इधर 9 + 6, इसको भी ले सकते थे 16, चलो इससे ले लो 16 - 1, वही बात पड़ेगी क्योंकि इस पर भी 15 आएगा, इस पर भी 15, इधर तो आ गया 15 + -6, 6 × 1 = 6 बेटा, माइनस का 6 हटा नहीं सकते आप सीधे लाइन को, तो इधर से कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 10 - 6, तो ये हो जाएगा 14 - 4 विच इज़ योर 144, आंसर कितना आएगा 144। हिंट क्या दोगे, हिंट हो जाएगा आपका, आपने बेस लिया है 10, डेविएशंस कैसे निकाले, डेविएशंस वेरी इजी, नंबर माइनस बेस विच इज़ योर माइनस 1 एंड नंबर माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 6, ऑलवेज ग्रेटर वाले का हमें साइन लगाना है, इसमें बड़ा 10 है तो 10 का साइन लगाया, इसमें 16 है तो 16 का साइन लगाया, तो इन दिस वे बेटा हमें करना है। देखो मैं क्यों करा रहा हूँ, मेन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कन्फ्यूज़ हो गए, बाकी तो और ईजी हैं उनके, ताकि हिंट और बेस, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखने हैं। नाउ स्क्रीन को पॉज करें, फटाफट इन्हें आप वेरीफाई कर लो, अगर गलत किया है तो उसको सुधार भी लो। हटा रहे हैं इसको हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्वेल्व इंटू थर्टीन, ये तो इजी है बेटा, है ना, इधर 12 इधर 13, कितना प्लस के 2, इस पे प्लस के 3, वेरी गुड। नाउ स्लैश प्लस 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 2 × 3, प्लस को शो नहीं करते, ठीक है, इसको इसके साथ ले लो या आपकी इच्छा करते इसको इसके साथ, चलो ये ले लेते हैं 13 + 2, ये हो जाएगा बेटा 15 / 6, हटा दो इसे 156। देखो मैंने कहा तो ओरली प्रैक्टिस करो, तो ओरली प्रैक्टिस कैसे होगा वो देखो, है ना, 15 6 आ गया, 156 आ गया, तो कैसे करोगे देखो, पहले तो इन ये दोनों नंबर है ना, दोनों जब 10 से एक बड़े हैं, तो देखो इन दोनों का तो 6 आपको बोलना ही है, फिर पूरे नंबर में चाहे इसको ऐड कर लेना, चाहे इस पूरे नंबर में इसको ऐड कर लेना, तो जैसे क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो गया, और 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 156। ऐसे और देख लो, जैसे 17 × 12 या 14 ×
12, तो देखो इन दोनों को तो 8 आएगा ही आएगा, प्लस 16 क्या आ जाएगा इसका 168। बेटा इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कैसे किया मैंने, इस पे तो इसको ऐड किया तो कितना आ गया 16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8, तो 168। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसकी हिंट लिखते हैं, चलो हिंट हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, बेस हमने लिया है 10, डेविएशन है हमारा, डेविएशन्स है हमारे 12 माइनस 10 विच इज़ योर प्लस 2, और ये हो जाएगा 13 माइनस 10 विच इज़ योर प्लस 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 13 into 10, वेरी इजी, ये तो ऐसी इजी है देखो, बट आपको चेक करने के लिए दे दिया 13 10। 13 का क्या हो जाएगा प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा 0, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, स्लैश ये हो जाएगा आपका 3 into 0, और ये हो जाएगा 13 plus 0, तो ये तो हो जाएगा 13 और ये कितना आएगा 0, तो 0 3 1 आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा हिंट। हिंट क्या हो जाएगा बेटा, बेस इक्वल्स टू 10, डेविएशन हो जाएगा, डेविएशंस नंबर माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 3, नंबर माइनस बेस विच इज़ योर 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 15 into 16 विच इज़ योर 15 विच इज़ योर 16, कितना ज़्यादा है प्लस 5 ज़्यादा है प्लस 6। ओके, स्लैश प्लस 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 5 into 6, इसमें 15 plus 6 देखो ये, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 5 और 6 कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा कितना 30, तो ये 0, ये इसके साथ जब डबल डिजिट आ जाए तो ध्यान रखना इसके साथ ऐड होके आएगा 314, और आंसर कितना आएगा 240। वेरी गुड, हिंट लिखो, हिंट बेस इक्वल्स टू 10 ले रहे हैं हम, और डेविएशंस कैसे आएंगे सर, वेरी इजी, कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर्स माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 5, नंबर माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 6, इन दिस वे आपको ये करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 क्या है हमारा, 18 into 12 विच इज़ योर 18 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, है ना। नाउ ये कितना है प्लस 8 है, और ये कितना है प्लस 2 है, स्लैश प्लस 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 8 into 2 इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसको ले लेते हैं 12 plus 8, बेटा ये कितना होता है 20, स्लैश 8 to 8 to 16, ओके तो 6 यहाँ पे आएगा, ये सिंगल डिजिट ऐसे आ जाएगा, ये इसके साथ ऐड होके आएगा, 0 और 1 क्या होता है 1, और ये क्या आंसर क्या जाएगा 216। हिंट दे दो, हिंट हो जाएगा आपका बेस इक्वल्स टू 10, डेविएशंस निकाल लो बेटा, सो डेविएशंस इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस, दिस इज़ योर नंबर माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 8, दिस इज़ योर नंबर माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 2, दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी, नाउ नेक्स्ट आ जाओ, अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने तो इसमें पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा था देखो, दो तो सब्ट्रैक्शन सीखे थे, है ना, एक काम करो स्क्रीन को पॉज कर लो जब से मैं बोल रहा हूँ, दो तो हमने सब्ट्रैक्शन सीखे थे बेटा, और दो क्या सीखे थे हमने, सॉरी एक मल्टीप्लिकेशन सीखा, सब्ट्रैक्शन क्या सीखा था, एकाधिकेन पूर्वेन एन कॉम्प्लीमेंट्री, एक न्यूनेन पूर्वेन एन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो ये सीखे हैं। अब इन्हीं तीनों को हमें कहाँ देखना है, एग्जामिनेशन टाइप में, ओके शुरू करें, चलिए एग्जामिनेशन टाइप का देखते हैं, नया हम शुरू कर रहे हैं हमारा एग्जामिनेशन टाइप, आज ही इसको हम फाइनल कर देंगे, तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल, ओके फटाफट करते हैं।
क्या करने जा रहे हैं हम? एग्जामिनेशन टाइप, एग्जामिनेशन टाइप, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइप मतलब ऐसे एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 इंटू 14 विद रिस्पेक्ट टू 10। बेस क्या लेना है हमें? 10। किसका फाइंड करना है? 12 इंटू 14। ओके ना बेटा, 12 14 कितना ज़्यादा है? प्लस 2। कितना ज़्यादा है? प्लस 4। स्लैश कितना आ जाएगा? 4 2 8। इसको इसके साथ ले लूँ मैं, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? दिस इज योर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दिखाई दो, ये हो जाएगा 16 स्लैश 8। स्लैश हटा दो तो ये हो जाएगा 168। दिस इज योर आंसर। हिंट भी देना है, हिंट भी दे दो। हिंट बेस कितना उसने कहा था? बेस इक्वल्स टू 10। डेविएशंस देखो, अभी तो ये बेस बताते हैं, बाद में ये बेस आपको मेंशन नहीं करेंगे। प्लस 2 प्लस 4। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सेइंग? कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन वाला है, एकाधिकेन में कहाँ करते हैं? नीचे की ओर, ठीक है। क्या है? 805 फर्स्ट है हमारा, 805 माइनस 608। नाउ बेटा हिंट शुरू कर लें, क्योंकि हिंट से ही तो होता है। हिंट से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिखा? 5 इज लेस देन 8, सो 5 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 8 क्या होता है? 2। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फाइव प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 7। तो ये 7 आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया, आगे वाले को एक बढ़ाओ, एकाधिकेन। नाउ सेकेंड स्टेप क्या दिख रहा है भैया? जो 0 है, 0 इज़ लेस देन 0 एकाधिकेन, और हम इसको लिख सकते हैं 0 इज़ लेस देन 1। एक्चुअल में क्या है? 1 है, 1 है तो फिर से क्या हो जाएगा? 0 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1 क्या होता है? 9। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1 क्या होता है? 9। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1 बेटा ये 9 हो गया, दिस इज योर 9। यहाँ पे क्या जाएगा? 9। फिर कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया, फिर आगे वाले को एकाधिकेन करो। नाउ थर्ड स्टेप क्या दिख रहा है? 8 इज ग्रेटर देन 6 एकाधिकेन, ग्रेटर देन ढंग से बनाते हैं, ग्रेटर देन एकाधिकेन, और 8 इज ग्रेटर देन 7। तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7 विच इज योर 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। हमने पहले भी कर रखा है स्टूडेंट्स, बस कैसे होगा इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग एक न्यूनेन। इसमें क्या यूज करना है हमें? एक न्यूनेन यूज करना है थर्ड में। थर्ड में एक न्यूनेन करना है, क्या है हमारा? 800 माइनस 543। यही है क्या? देखो हाँ, ठीक है। नाउ फर्स्ट हिंट शुरू करते हैं। 0 इज लेस देन 3, सो 0 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 3, कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग होती है COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 3। दिस इज योर 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। कॉम्प्लीमेंट्री लिया था तो आगे वाले को एक एकाधिकेन किया। फिर सेकेंड स्टेप हमें क्या दिखा कि भैया 0 इज ग्रेटर लेस देन 4 एकाधिकेन, और 0 इज लेस देन 5, सो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5, 5 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 5, सो दिस इज योर 5। तो यहाँ पे 5 बेटा कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया, फिर आगे एकाधिकेन करो। थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 5 एकाधिकेन, और 8 इज ग्रेटर देन 6 विच इज, तो क्या हो जाएगा आपका? 8 माइनस 2 सॉरी 6 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और विच इज आंसर इज योर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, फटाफट आओ। कह रहा है फाइंड द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विद रिस्पेक्ट टू 10। कितना है? 5 है ना, तो क्या हो जाएगा? डेविएशन हो जाएगा आपका नंबर माइनस बेस, सो नंबर आपका 5 माइनस 10 विच इज़ योर माइनस 5। नाउ सेकेंड है आपका स्टूडेंट, सॉरी यहाँ बेस भी लिख दो, बेस आपका कितना लेना था हमें? 10। नाउ सेकेंड है आपका 8,
एट है। शुरू करो, बेस कितना है आपका यहाँ पे, टेन लेना है हमें। सो डेविएशन, डेविएशन इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस, ठीक है। आपको हर बार लिखना है क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज़ योर एट माइनस टेन विच इज़ योर माइनस टू। नाउ यहाँ पे इसका थर्ड कर देता हूँ मैं, थर्ड हो जाएगा स्टूडेंट हमारा थर्टीन। थर्टीन बेस क्या लेंगे हम, बेस हमारा टेन है तो डेविएशन हो जाएगा हमारा, डेविएशन इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस विच इज़ योर थर्टीन माइनस टेन विच इज़ योर प्लस थ्री। ओके, सो दिस इज़ योर डेविएशन। नाउ स्टूडेंट स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट नोट डाउन करो इनको, फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। कर लिया, हटाते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, वो आपको लिख करके देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज योर, कह रहा फाइंड द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स ऑफ द थ्री फाइव एंड नाइन। किसका किसका फाइंड करना है, थ्री फाइव एंड नाइन। क्वेश्चन नंबर फाइव है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स ऑफ थ्री नाइन एंड फाइव, थ्री सॉरी थ्री फाइव एंड नाइन, थ्री फाइव एंड नाइन। तो सो सेवन इज कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट किसका है ये, ऑफ थ्री। ऐसे ही फाइव इज कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ किसका है, फाइव। वन इज कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ किसका, नाइन। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 17, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 17, वेरी इजी स्टूडेंट्स, पहले भी किया था हमने, फिर से करते हैं। 15 17 प्लस 5 प्लस 7 स्लैश प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7 और यहाँ पे 15 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 22 स्लैश, ये हो जाएगा आपका 35। 5 तो ऐसे ही है, इससे ऐड होके आएगा 5 और आंसर हो जाएगा आपका 225। हिंट दे दो यहाँ पे, हिंट हो जाएगा बेस कितना दिया था इन्होंने हमें, 10। डेविएशंस कैसे आए, वेरी इजी, नंबर्स माइनस बेस। तो ये नंबर हमारा 15 माइनस 10 विच इज़ योर प्लस 5, 17 माइनस 10 विच इज़ योर प्लस 7, दिस इज़ योर आंसर। नाउ सेवन क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 इंटू 16 है, 11 इंटू 16, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 सॉरी 6, 9 स्लैश 1 इंटू 6 और इधर क्या हो जाएगा 11 प्लस 6, बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 17 स्लैश 6, स्लैश हटा दो 176। हिंट दे दो इसमें भी, कितना दिया था बेस हमें इन्होंने, हमें बेस दिया था इन्होंने 10 और डेविएशन भी उसी के अकॉर्डिंग है। डेविएशंस इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस विच इज़ योर प्लस 1, 16 माइनस 10 विच इज़ योर प्लस 6। ओके, दिस इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट आपको ये करना है। नाउ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम आगे नए लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा क्या है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तीन ही चीज़ें हमने सीखी थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, और होमवर्क है आपका कंप्लीट चैप्टर 4 इन योर HW, बिकॉज मैं लास्ट अब यही बचा था। अब अगर मान लो किसी ने नहीं भी किया तो उसको पूरा ही करना है, क्योंकि अब ना हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।